एंड जैसे कि लाइक कस्टमाइजेशन है, जो कि कैरेक्टर कस्टमाइजेशन साइबरपंक पीसी में बहुत बहुत यू नो बहुत ही कुछ कस्टमाइजेशन है. आप कुछ बहुत ही यूनिक चीजें उसमें कर सकते हो. एंड उसकी जो एक स्नीक पीक प्यूडीपाई ने भी डाली थी लाइव स्ट्रीम में, तो या वो उसने टेक डाउन कर ली, लेकिन मेरे पास वो रिकॉर्डेड है. फिर आगे बोलना नहीं बता. बता जेनिटल्स ऑन और ऑफ. No! Stop! What is going on today? Welcome back guys to the channel. And ये video में guys मैं आपको एक न्यू गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ. ये वीडियो पबजी या फिर पबजी पीसी या फिर पबजी मोबाइल से रिलेटेड नहीं है. ये जो वीडियो है गाइज ये साइबर पंक से रिलेटेड है. तो जैसे आपने टाइटल थंबनेल में देखा है, कुछ क्लिकबेट नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा रियली है. बट गाइज अभी जो है, जैसे आपको पता है, साइबर पंक पीसी के लिए रिलीज हुआ है, बहुत सालों बाद रिलीज हुआ है एंड बहुत बहुत डिलेस बाद रिलीज हुआ है, तो फाइनली हो चुका है. एंड आप में से बहुत सारे जन बोल रहे थे कि भाई उसका गेम प्ले दो. तो देखो गाइज मैंने अपना आपको पीसी सेटअप जो है दिखा दिया है, तो वो पीसी सेटअप देखने के बाद आपको अंदाजा आ गया होगा कि गेम जो है कैसे चलेगा. सो गेम जो है मेरे पीसी में सपोर्ट नहीं करेगा. सपोर्ट इन द सेंस यू नो इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा, लेकिन बहुत लैग करेगा क्योंकि मेरे पीसी के अंदर वो हार्डवेयर नहीं है जो उस गेम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए भी चाहिए. तो इट्स रियली नॉट वर्थ इट कि अगर मैं वो गेम खरीदूं तो वो मैं खेल सकूंगा इजीली एंड मुझे क्वालिटी मैटर करती है. तो अगर मैं वो गेम प्ले रिकॉर्ड भी करूं तो बहुत लैगी होगा एंड मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई लैगी गेम प्ले मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जैसे आपको पता है यूट्यूब पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है, बहुत गेम प्लेज है एंड यूट्यूबर्स डालते ही है लाखों लाखों पीसी पे. तो या आई डोंट थिंक सो मेरा कुछ वहाँ पे काम होने वाला है. बट यहाँ पे गाइस मैं आपको साइबर पंक मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ. एंड ये साइबर पंक मोबाइल जो है ये ऑफिशियल अभी जो कोड रेड या फिर जो साइबर पंक पीसी वाले डेवलपर्स है उन्होंने नहीं क्रिएट किया, ठीक है. एंड ना ही एग्जैक्टली डिट्टो वैसे के वैसे जैसे हम पबजी यू नो देखते हैं, जैसे कि पबजी पीसी जो है पबजी मोबाइल नो लाइक एग्जैक्टली सिमिलर है, तो वैसा नहीं है यू नो साइबर पंक. एंड इसका गेम का जो नाम है ऑफिशियल वो है पंक रॉयल 2052 अ साइबर पंक बैटल, ठीक है, ऐसा कुछ तो गेम है. एंड ये लिटरली अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ साइबर पंक का क्लोन है. मैं मैप्स वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, लेकिन जो उसका गेम प्ले जो एक कहते हैं ना माइंडसेट जो है वो फ्यूचरिस्टिक है. एंड जैसे कि लाइक कस्टमाइजेशन है, जो कि कैरेक्टर कस्टमाइजेशन साइबर पंक पीसी में बहुत बहुत यू नो बहुत ही कुछ कस्टमाइजेशन है. आप कुछ बहुत ही यूनिक चीजें उसमें कर सकते हो. एंड उसकी जो एक स्नीक पीक प्यूडीपाई ने भी डाली थी लाइव स्ट्रीम में, तो या वो उसने टेक डाउन कर ली, लेकिन मेरे पास वो रिकॉर्डेड है. और यहाँ पे गाइस ये जो मोबाइल वर्जन है या फिर ये जो न्यू गेम होने वाला है मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए, इसका नाम जो है पंक रॉयल है. एंड आप में से होपफुली सभी जनों को पता होगा अगर आपने किसी के वीडियोस रेकमेंड में देखे होंगे या फिर किसी के वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने इस बारे में कवर किया है. तो देखो गाइस ये जो गेम है ये अभी तो इतना हाइप अप नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है. एंड इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार इस गेम के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ. तो मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा, कुछ ऑफिशियल यू नो लाइक जो डेवलपर्स है उन्होंने भी सॉर्ट ऑफ Q&A हुआ था रेडिट पे, तो मैं आपको उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा. एंड सच कहूँ तो ये जो गेम है ये मोबाइल वर्जन का जो पंक रॉयल है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि प्ले स्टोर पे गाइस इसका प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है. तो यस, अगर आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है एंड ये प्ले स्टोर पे है, ऐसे नहीं कि टैप टैप या फिर किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, ये प्ले स्टोर पे है गाइस. तो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट करना. यू नो मैंने तो प्री रजिस्टर कर दिया, कल ही कर दिया. एंड इसकी जो कंपनी है ये जो है ये केक बाइट करके है. अभी केक बाइट करके डेवलपमेंट टीम है, मुझे पता नहीं कंपनी है या फिर क्या है, बट ये डेवलपमेंट टीम बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा रेडिट पे जो है कुछ Q&A हुए एंड ऑफिशियल्स ने कुछ यू नो लाइक आंसर्स दिए हमें. सो मैं आपको वो भी बताऊंगा. बट यार वो दिखाने से पहले जस्ट ये गेम के जो है स्क्रीनशॉट देख लेना, स्क्रीनशॉट इन द सेंस जो प्ले स्टोर पे उन्होंने अवेलेबल दिखाया है. एंड उसमें गाइस एक स्क्रीनशॉट इन गेम का भी है एंड भाई साहब क्या गेम लग रहा है. एंड उन्होंने गाइस इन गेम स्क्रीनशॉट के नीचे एक और पॉइंट जो है या फिर एक और लाइक दो वर्ड्स लिखे हैं, जो कि एंटरेबल सिटी बिल्डिंग्स. एंड अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है तो ये सॉर्ट ऑफ ह्यूज है गाइस, ह्यूज डील है, ऐसे नहीं कि बस लिखने के लिए लिखा है. तो यहाँ पे उनका ये मतलब होता है कि एंटरेबल सिटी बिल्डिंग्स. तो यहाँ पे जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना अभी, मुझे पता नहीं हो सब बिल्डिंग्स है या फिर कुछ गिने चुने होने वाले, बट यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये इन गेम स्क्रीनशॉट है. एंड यहाँ पे जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो इसमें से मोस्ट बिल्डिंग में आप
एंटर कर सकते हो. तो दैट्स अ रियली यूनिक थिंग. एंड यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो इन गेम, दिस गेम लुक्स रियली गुड. आई मीन बस एक ही चीज में मैं कहूंगा कि ग्राफिक्स जो है और थोड़े पंप अप अगर हो गए पीसी वर्जन से, यू नो लाइक थोड़ा मैचअप जैसे कि शैडोज वगैरह, तो गेम जो है बहुत ही अच्छा लगेगा. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो और भी कुछ जरूरत है. एंड गाइस जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, मुझे तो ऐसा पक्का लग रहा है कि गेम जो है पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सब बटन हमें देखने को मिलता है, मैप का लेआउट देखने को मिलता है. उसके बाद यहाँ पे टीम है, लाइक चार जनों की टीम है. तो लाइक पता नहीं ये बैटल रॉयल है या फिर कुछ स्टोरी मोड वाला है, बट मुझे तो लग रहा है गाइस ये बैटल रॉयल काइंड ऑफ अ गेम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेफ्ट में भी हमें कुछ चीज देखने को मिलती है जो कि है कितने जन अलाइव है. तो यहाँ पे 92 कुछ तो यहाँ पे नंबर है. उसके बाद राइट में जो है स्क्वाड मेंबर्स है, जैसे कि हम पबजी में देखने को मिलते हैं. एंड लेआउट जो है सिमिलर है यार पबजी के जैसा, चैट सिस्टम है, ADS, जंप, क्राउच, उसके बाद हीलिंग का बटन है. तो ये जो है ये साइबरपंक पीसी की तरह नहीं होने वाला है, लाइक ओपन वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यू नो स्टोरी मोड वाला ये वैसा नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ बैटल रॉयल गेम होने वाला है. एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड. आई मीन ऐसा अगर आप और एक गेम देखने जाए तो आई थिंक साइबर हंटर करके गेम है जो कि सॉर्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक लुक में जाता है. मुझे पता नहीं, मैंने इतना खेला नहीं है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, बट गाइस अगर फ्यूचरिस्टिक के बारे में बात करें तो आई थिंक ये गेम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड वो जैसे मैंने दिखाया एक इन गेम स्क्रीनशॉट है. एंड उसके बाद जो है गाइस मैं आपको वेपन्स के बारे में भी एक स्क्रीनशॉट उन्होंने डाला है, स्क्रीनशॉट नहीं फोटो ही डाला है गूगल प्ले स्टोर पे, आप चेकआउट कर सकते हो खुद से भी. बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है गियर अप एंड बैटल विद हाई टेक वेपन्स. सो यहाँ पे जो वेपन्स है उनके भी लुक्स जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. एंड उसके बाद और जो है काइंड ऑफ लेवल 1 का साइबरवेयर है, लेवल 2 लाइफ एंड उसके बाद लेवल 3. तो ये जो है ये एनहांस करता है आपके मोबिलिटी विद लेग ऑगमेंटेशन. अभी मुझे इसका एक्चुअल में पता नहीं कि ये गेम में कैसा वर्क करेगा, क्या इसका इस्तेमाल होने वाला है, लाइक फास्ट भागने के लिए, उसके बाद जंप, कुछ पता नहीं. तो और आगे जाते हैं गाइस, यहाँ पे और हमें कुछ देखने को मिलता है जो कि रिक्वायर बैटरीज टू ऑपरेट, तो इसके बारे में कुछ डिटेल पता नहीं है ज्यादा. और उसके बाद गाइस यहाँ पे एक फोटो है कैरेक्टर कस्टमाइजेशन के बारे में. तो यहाँ पे ये भी कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक हेयर्स जो है वो हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बाद टॉप फेस वगैरह. तो और तो डिटेल में पता नहीं, लाइक आईज के लिप्स वगैरह, नोज वगैरह जैसे कि पीसी वर्जन में देखने को मिलता है, बट कुछ कह नहीं सकते. यहाँ पे कुछ हमें ज्यादा चीज देखने को नहीं मिलती, बस एक फोटो है. और उसके बाद एक और फोटो है, ये भी इन गेम स्क्रीनशॉट का है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्पेशल लूट ड्रॉप पॉकेट्स. तो ये भी काइंड ऑफ लाइक बैटल रॉयल में जैसे होता है सप्लाई ड्रॉप्स आते हैं, तो ये में भी उस चीज का कुछ तो रिलेटेड हो सकता है. बट यही जो है फोटोज प्ले स्टोर पे हमें देखने को मिलते हैं. एंड जैसे मैंने आपको कहा ये प्ले स्टोर पे है गाइस, तो इट कांट बी फेक या फिर रूमर, ये जो भी ये रियल लग रहा है मुझे. एंड गाइस जैसे हमने इन गेम स्क्रीनशॉट देखे तो वो भी देखकर मतलब पूरा पूरा भरोसा हो जाता है कि गेम जो है बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, वेल फिनिश दिखने वाला है. एंड अभी बात करते गाइस इसके लॉन्च के बारे में, कब आएगा एंड इसकी लाइक डेवलपमेंट टीम है क्या. तो यहाँ पे गाइस मैं आपको दो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा या फिर दो पोस्ट दिखाऊंगा जहाँ पे Q&A सॉर्ट ऑफ हुआ है. एंड ये पुर्तगीज लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में नहीं, तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बट कोई टेंशन मत लो मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि ये जो गेम है कितना टाइम लगा डेवलपमेंट करने में, क्योंकि जैसे हम देखते हैं साइबरपंक पीसी का आई थिंक 7 या फिर 8 साल हुए, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, बट उस गेम के लिए बहुत समय लगा है साइबरपंक पीसी के लिए. तो अगर आप पूछते हो कि ये गेम के लिए यू नो जो पंक मोबाइल है या फिर पंक रॉयल है, तो इस गेम के डेवलपमेंट के लिए 1.5 साल लगा, ऐसे वो लोग कहते हैं डेवलपर्स. एंड डेवलपर जो है वो गाइस टीम बस 2 जन की है, एक जो है डिजाइनर है एंड एक प्रोग्रामर है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि गेम कुछ क्रिएट करते हैं, अभी ऐसा उन्होंने कहा है. एंड मैं यहाँ पे आपको रेडिट की पोज भी दिखा रहा हूँ, तो मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, मैंने जो है ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया एंड इसलिए मैंने आपको उसका मीनिंग समझा दिया. तो यार ऐसे कुछ तो इसका सिस्टम है. एंड अगर आप पूछते हो कि ये गेम लॉन्च कब होगा, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया है. तो ये गेम डायरेक्टली तो लॉन्च नहीं होने वाला था, इसके बारे में कुछ टेस्टिंग होने वाली थी एंड वो टेस्टिंग दिसंबर के स्टार्ट में होने वाली थी. तो अभी दिसंबर स्टार्ट तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, इट्स December 13. तो अभी देखते हैं यू नो टेस्ट सर्वर या फिर बेटा वर्जन कुछ हमें देखने को मिल सकता है प्ले स्टोर पे. तो इसलिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है कर लो. एंड अगर बात रही अबाउट द गेम साइज, तो देखो गाइस और भी कुछ डिटेल नहीं है. एंड जो डेवलपर है या फिर डेवलपमेंट टीम जो है वो जो है आई थिंक दुबई है, अबू धाबी का कुछ तो लोकेशन है, प्ले स्टोर पे दिखा रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो. पर या गेम जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है. एंड गेम के अंदर आई थिंक एक कुछ तो सिटी है, ओशियन सिटी, जैसे साइबरपंक पीसी में नाइट सिटी है वैसे इसमें ओशियन सिटी. तो देखा जाए तो काइंड ऑफ रिलेट करता है साइबरपंक पीसी से ही, बट ये जो है प्रॉब्ली बैटल रॉयल वाला कुछ तो गेम होगा. आई एम रियली इंटरेस्टेड कैसा गेम होता है, जब भी आता है इसका गेम प्ले मैं आपको जरूर दिखा दूंगा चैनल पे. तो इसलिए अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब करना. एंड जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको
खेलना है, खेलना ट्राई करना है, डेफिनेटली प्री रजिस्टर करना। प्री रजिस्ट्रेशन बहुत समय या फिर बहुत लोगों के लिए नहीं होता, तो ये क्या पता बहुत जल्दी कुछ तो लिमिटेड हो जाए, तो इसलिए जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप जो है प्ले स्टोर पे जाके पंक रॉयल सर्च कर सकते हो एंड आपको एक गेम मिल जाएगा। तो जरूर गाइस रजिस्ट्रेशन करना, एंड जब भी ये गेम आता है चाहे इसका बेटा हो या फिर पूरा वर्जन, डेफिनेटली आपको गेम प्ले बता दूंगा। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।